मैं बना रही हूँ बहुत दिन के बाद ब्लॉग। तो आप सभी खाइए अखरोट बसाते बतासे बसाते हो बतासे बसाते। और काफ़ी दिन के बाद मिली इनसे, क्योंकि हम लोगों को सांस लेने का भी टाइम नहीं था। तो आज मैं भी आपके सामने आ जाती हूँ इतने दिन के बाद, क्योंकि यहाँ चल रही है शादी की तैयारियाँ और जिसमें हमारे को इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉग व्लूग बनाने का, तो इस वजह से हम थोड़ा व्लॉग नहीं बना रहे। कुजाल है बोर्चा जूस इतने नहीं आ रहे, कोट पैंट वाले। अच्छा भाई के जूते आगे थोड़े बड़े, अब उसको करवाना है वापस, तो मैं जाऊंगी थोड़े दिन के बाद। अभी मैं नीचे जाती हूँ, थोड़े दिखाती हूँ आपको। ये दूल्हा। तो मैं आपको अपनी नानी दिखाती हूँ आज। मैं अपनी नानी को भी घास के लिए लेके गया था। देखो देखिए मुंह दिख रहा है इनको, एक कोई ले गया था, खुद गए थे ये। ऐसे नहीं बोलना कि नानी को ना करने दो, खुद ले गए थे। अरे कुछ बोलना चाहेंगे आप, भारी तो नहीं हो रहा आपके पास? ना हल्का ये है, भारी नहीं है, है ना नानी? थोड़ा थोड़ा लाया। गजे में मेरी गजे दिखाऊंगे आपको पड़ुआ। जाती हूँ पहले, जाती हूँ। तो हमारे बहुत सारा काम चल रहा है, आज पुआरे हैं सब लोगों के, और अभी शादी को बच्चे हैं 2-3 दिन। मैं आपको दिखाती रहूँगी, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी। इससे पहले तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था घर में करने के लिए, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ बेचारों का। इनका बेचारों का अभी हम खा रहे हैं मूड़ा। नानी जी बना रहे हैं एक चीज। पता क्या चीज बना रही है? ये जो डंडा है ना, इस डंडे में इसको लपेटेंगे, और जो माला होती है ना, माला मामा स्वागत के लिए होती है, उसमें इसको लपेटेंगे, फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। गाइस ये बनाना था कल, वो रोटी देने के लिए जिसके अंदर रोटी बनेगी, सॉरी मतलब इसके अंदर रोटी बनाएंगे, और ये समदा करी है उन्होंने। तो हम गए थे देवठन में, जो कि होता है दिवाली के 11 दिन के बाद एकादशी में। यहाँ माता का मंदिर है, तो हर साल ये मनाया जाता है, देवठन बोलते हैं इसको। बढ़िया बढ़िया चलो।